चिंतन में आता है बाबा है। 5000 साल का ड्रामा तो कुछ समझ में आता है, है? लेकिन इसका बीज के चले बीज जब बना तो उसके उत्पत्ति कहाँ से हुई बाबा? आत्मा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? आत्मा 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 तो परमात्मा की संतान है। पहले परमात्मा की पहले आत्मा? पहले परमात्मा, उससे पहले आत्मा ही नहीं थी। परमात्मा इस सृष्टि पर आया उससे पहले आत्मा ही नहीं थी। फिर पहले आत्मा फिर परमात्मा ऐसे कैसे कह दिया? या पहले परमात्मा पहले आत्मा? आत्मा अनादि है तो आत्माओं का बाप परमात्मा भी अनादि है। ड्रामा अनादि है तो ड्रामा में जो भी एक्टर्स हैं वो सब अनादि है। बीज का कभी नाश नहीं होता। क्या कोई भी बीज है कभी नाश को नहीं पाता, वो अपना टाइम आता है तो फिर उगता है। तो ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि है, इस मनुष्य सृष्टि में सांप का विनाश होता है लेकिन मनुष्यों के बीज का विनाश नहीं होता। मनुष्यों का बीज अर्थात बाप, मनुष्य सृष्टि का बीज अर्थात प्रजापिता, वो 5000 वर्ष के ड्रामा में ऑलराउंड पार्टधारी है, उसका विनाश नहीं होता। एक बीज रह जाएगा तो एक बीज से अनेक बीज पैदा हो जाते हैं। और बाबा कहते हैं कि अंत में सबको अपने अपने पद का साक्षात्कार होगा अंत में, लेकिन ब्रह्मा बाबा को तो पहले साक्षात्कार हुआ, माना पहले मालूम पड़ा कि वो श्री कृष्ण बनने वाले हैं तो उन्होंने पुरुषार्थ वैसा किया। तो हम बच्चों को बाद में होगा तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे, क्योंकि अंत में तो पुरुषार्थ का टाइम ही खत्म हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा ने कृष्ण का साक्षात्कार किया, पहले साक्षात्कार किया और बाद में कृष्ण बनेंगे। तो जो साक्षात्कार किया है कृष्ण का वो कौन से कृष्ण की किया? जिसका शास्त्रों में गायन है उस कृष्ण का साक्षात्कार किया, या जिसका शास्त्रों में गायन ही नहीं है उस कृष्ण का साक्षात्कार किया? कौन से कृष्ण का साक्षात्कार किया? जिसका गायन है संगम युग श्री के, संगम युग कृष्ण है बनते हो नहीं तो गॉड में सतयुग में जाएंगे। तो जब सतयुग में जन्म लेंगे तो उस सतयुग में जन्म लेने वाले देवताओं का गायन है शास्त्रों में? शास्त्रों में तो सत्य त्रेता में जन्म लेने वाले देवताओं का कोई गायन है ही नहीं। तो जो गायन पूजन है वो तो इस समय का है, तो इस समय का जो संगम भी कृष्ण है उसको उन्होंने जाना ही नहीं। जाना क्या, वो तो उन्होंने जाना नहीं। अगर जाना होता तो फिर उनको कौन सा साक्षात्कार होता? बुद्धि का साक्षात्कार होता या बंदा को साक्षात्कार होता? कौन सा श्रेष्ठ है? बुद्धि का साक्षात्कार श्रेष्ठ होता है क्योंकि बुद्धिमानों की बुद्धि है। शिव बाबा, शिव बाबा बुद्धि का ताला खोलता है तो बुद्धि का ताला खोलने वाला शिव बाबा हमको बुद्धि के आधार पर साक्षात्कार कराता है या बंदा को साक्षात्कार कराता है? बुद्धि का साक्षात्कार कराता है। तो शिव बाबा की जो देन है वो अविनाशी शास्त्रों में गाई जाती है। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुए लेकिन मीरा क्या स्वर्ग में गई? स्वर्ग में तो गई नहीं। ऐसे ही दादा लेखराज ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए, मैं कृष्ण बनूंगा वैकुंठ में जाऊंगा, क्या वैकुंठ में गए हैं? नहीं गए। शिव बाप तो आकर के प्रत्यक्ष प्राप्ति कराते हैं। तो प्रिया पिता जो है उनको क्या ये मालूम था पहले कि मैं नारायण बनने वाला हूँ, तो नारायण का पुरुषार्थ
जो विष्णु महाराज है नारायण का पद है बाबा का, अलग को मिला अल्लाह, देव बाद सही सारी भागीदार को दे दी, आई तार अल्लाह की हुआ रेल का रही। ये किसके लिए गए ने? कुछ तो नशा होगा तब तो गया, उसकी बुद्धि में क्या है, हमें भगवान मिल गया हम क्या करेंगे, थोड़े समय के लिए मान मर्तबा ले लेना ना। तो बच्चों को भी बाबा ऐसे यज्ञ में कोई जर्नल इंचार्ज बन के बैठते हैं, कोई सेंटर इंचार्ज बन के बैठते हैं, कोई मेला मलाखड़ों के इंचार्ज बन के बैठते हैं, ये प्राप्ति ऊंची है या जो शिव बाबा प्राप्ति कराते हैं वो ऊंची है? ये तो अल्पकाल की प्राप्ति है। अल्पकाल की प्राप्ति में मान मर्तबे में बुद्धि नहीं जानी चाहिए, उसमें अहंकार आता है क्या, ये कुर्सी मिल गई वो कुर्सी मिल गई, वो अहंकार की चीज लेना ठीक नहीं है। प्रभुता पाए काहे मदना ही, कोई प्रकार की इस दुनिया की प्रभुता मिल जाएगी बस अहंकार में उल्टे पलटे काम होते रहेंगे, सौ गुना बोझा आत्मा के ऊपर चलता रहेगा। और माँ बाप तो बच्चों के पास समय बहुत कम है, प्रसाद भी बहुत तीर भी करना है, तो बच्चे कैसे करे प्रसाद? बच्चे कैसे जैसे मुरली में बताते हैं वैसे करे, मैं तो मतलब क्या कहते हैं बहुत कुछ बताते हैं बताते तो है तो वैसे ही करे। रात को जैसे 2 बजे अमृत वेले उठते हैंगे, तो 2 बजे के टाइम ही मतलब, और जो लेट उठ रहे हैं 4-4:30 बजे वो, और जो 8 बजे उठते हैं तो वो तो ज्ञान में है ही नहीं है जो 8 बजे उठते, तो ऐसे ही नंबर वार ज्ञान में है। अच्छा, जो जितना ज्यादा ज्ञानी है उतना ज्यादा समय का ज्यादा ध्यान देते हैं, अमृत वेले का ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि बोला है अमृत वेला सुधरा तो सब सुधर जाएगा। और बाबा जैसे मान लो 3 बजे 3:30 बजे से अपन ने मुरली सुनी, मुरली सुनना कोई याद में रहना थोड़ा ही होता है, मुरली सुनने का पुरुषार्थ अलग रहते ही हैं, उसके बाद में 3:30 बजे के टाइम फिर मुरली सुनी। मुरली सुनने की बात अलग और याद में रहने की बात अलग, और याद में रह करके सारी दुनिया को सर्च लाइट देने की बात अलग। माँ बोलते थे स्वर्ग का गेट माताओं के द्वारा खुलता है, कहते हैं पांडवों के साथ कुत्ता भी गया वो जल गए हैं, माना गेट पे ही जल गए, इसका क्या रहस्य है? कुत्ता जो है ज्यादा ऊंची चढ़ाई नहीं चढ़ सका, सबसे ज्यादा ऊंची चढ़ाई किसने चढ़ी, सबसे ऊंची स्टेज में कौन सा पांडव गया? युधिष्ठिर है, तो जो आज से अंत तक युद्ध में स्थिर रहेगा वो ऊंची स्टेज में जाएगा, बाकी जो बीच में मर मिल लाए जाएंगे वो ऊंची स्टेज में कैसे जाएंगे? युधिष्ठिर बाकी सब नंबर वार होंगे, युधिष्ठिरों का भी कुल होगा, अर्जुनों का भी कुल होगा, कोई एक पांडव की बात थोड़ा ही है, ये उंगलियां 5 हैं, तो सिर्फ यही उंगलियां हैं, आपके हाथ में उंगलियां नहीं है, ढेर सारी इस तरह की उंगलियां, तो युद्धिष्ठिर की तरह युद्ध में स्थिर रहने वाले की तरह जिन्होंने जिन्होंने पुरुषार्थ किया वो सब नंबर वार युधिष्ठिर, कोई ने 100% पुरुषार्थ किया स्थिर रहने का, कोई ने 99% किया, कोई ने 1% किया, लेकिन किया। बाबा निराकार स्थिति पर क्या आधार क्या है, तो अभ्यास या सोम मन क्या है? निराकारी आत्मा है या शरीर? आत्मा है, तो आत्मा जो है निराकारी स्टेज जो होती है ना, आत्मा को ये प्राप्ति किससे हुई कि मैं ज्योति बिंदु हूँ? परमात्मा से, बाप ने बताया कि हम आत्मा ज्योति बिंदु है,
तो ज्योति बिंदु आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप में टिके, ये हम शरीर नहीं है, शाश्वत हम आत्मा है। जब जन्म लिया तो भी हम आत्मा थे, जन्म लेने से पहले भी जब हमारा शरीर नहीं था तब भी हम आत्मा थे, गर्भ में प्रवेश करने से पहले हम क्या थे, आत्मा थे। तो जो ज्ञान है वही हमारा आधार है निराकारी स्टेज का, असली ज्ञान है तो ज्ञान ही निराकारी स्टेज में टिक सकता है, ज्ञान नहीं है तो देवान है, देवान है माने अंधेरा है, निराकारी स्टेज में टिकने का सवाल ही नहीं। अपन को भी देह के रूप में देखेंगे, दूसरों को भी देह के रूप में देखेंगे। बाबा आज सुबह 5 बजे की रात है, आज का एक श्यामा रंग की गाय मुझे दिखी सपने में, बछड़ा उसका आस पास पानी भरा, जी क्यों क्या वो काला बछड़ा था कि सफेद बछड़ा था? अरे इतना नहीं है, गाय का रंग काला था। ब्राह्मणों के लिए काली गाय बहुत उत्तम मानी जाती है, आस पास पानी ब्राह्मण होते हैं, भक्ति मार्ग में मानते हैं काली गाय पालना ब्राह्मण के लिए बहुत उत्तम बात है। आज तो काली गाय कोई दूसरी गाय नहीं है, काली गाय माने महाकाली का रूप, क्या पानी गाय का प्रति, हाँ हाँ पानी भरा है खुद, पानी भरा होगा तो ज्ञान जल बढ़ेगा तभी तो काली अपना काम करेगी, बाढ़ कैसे आएगी, बाढ़ में बोल बोल कैसे होंगे। सपनों का आधार क्या है? संकल्प, जैसे संकल्प आते हैं वैसे स्वप्न आते हैं। जो बजाज होता है ना कपड़ा बेचने वाला, तो सारा दिन सुबह से लेके शाम तक कपड़ा फाड़ता रहता है, जब रात में सोता है तो अपनी धोती फाड़ देता है। किंतु बाबा संकल्प तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आया, स्वप्न बिल्कुल कोई संकल्प था ही नहीं आता। तो पूर्व जन्म का संकल्प किया हुआ होगा, ये इसी जन्म में थोड़ी संकल्प होते हैं, संकल्प पिछले 63 जन्मों में भी तो होते रहे हैं। नींद रोज खुलेगी, रोज उठ के बैठेंगे बैठेंगे बैठे 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 सही ढंग से योग नहीं लगता, सही ढंग से योग नहीं लगता। हाँ सही ढंग से 63 जन्मों में जैसे कर्म करने चाहिए वैसे नहीं किए होंगे, तो आकर के इस समय दिल में पैदा हो रहे हैं। दिल में तो अभी भी नहीं, कभी ऐसा भी तो होता है कि याद बहुत अच्छी आती है, लेकिन आती है ना, तो पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म उदय हो जाता है तो बहुत अच्छी याद आती है। घर के सभी लोग मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं, राजा राजयोग सीख करके राजा ही आप लेने आ रहे हैं। स्कूल में जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, स्कूल का नाम तो बता जाओ, लोग मतलब इसी तरह की बातें करते रहते हैं। बाबा के बच्चों पर बहुत बिघन आती है, तो आने दो ना, बहुत बिघन डाले भी तो होंगे, राजाओं ने कितने बिघन डाले, राजाओं ने कितने अत्याचार किए होंगे, कम अत्याचार किया क्या ना उन्होंने, ढेर सारे अत्याचारी राजाओं ने अत्याचार किए। दुनिया आगे कहते होंगे वहाँ इनको भगवान मिल गया, हमें तो दिखाई नहीं देता भगवान, हमें तो मिला ही नहीं है, भगवान इनामों से दिखाई देता है क्या? लेकिन कहने वाले हम लोग कहते हैं, उन्हें समझाओ, उन्हें कहो कि भगवान इनामों से दिखाई, भगवान तो निराकार है, इनामों से थोड़ी दिखाई देता है। उसके लिए मतलब हम कहते हैं कि ये भगवान बैठा हुआ है, चलो हम तुम्हें भगवान से मिला लें, तो उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा क्या? तो ज्ञान से समझने की बात है, ज्ञान से समझने की बात ना हो तो फिर 7 दिन का कोर्स देने की क्या जरूरत है, 7 दिन भट्टी कराने की क्या दरकार है? भगवान को आत्मा को परमात्मा को ये देखने की चीजें थोड़े ही है, इनको ज्ञान से समझा जा सकता है, समझ के तो हम बस पहचाना जा सकता है, देख भी रहे हैं ना, सुन भी रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन दूसरों को नहीं समझा पाते। नहीं दूसरों को भी समझा सकते हैं, जब हम अपनी पवित्रता की बुद्धि की स्टेज पर स्थिर हो जाएंगे, हमारी बुद्धि पूरी पवित्र बन जाएगी, तो हमारे सामने जो आत्मा आएगी, जैसे पारस पत्थर का गायन है ना, पारस जो है जिस पत्थर को छू दिया वो ही सोना बन गया, तो ऐसा कोई होता थोड़ा ही है, जो आत्मा संपन्न बनती जाएगी उसमें ऐसी पवित्रता की पावर आ जाएगी कि जो सामने आ जाएगा वो ही पलट जाएगा।
ऐसे भगवान मुरली में बताया है कि शंकर पार्वती को आपस में मिल मिल नहीं कहते हैं, राम सीता को आपस में मिल मिल नहीं कहते हैं, मिल की मिल राम सीता के लिए नहीं बोला कि मिल की मिल नहीं कहते हैं, शंकर पार्वती के लिए बोला है कि शंकर पार्वती को मेल फीमेल तो है लेकिन पति पत्नी नहीं है, युगल जोड़ी नहीं कहेंगे। राम सीता के लिए नहीं बोला, शंकर पार्वती के लिए बोला कि शंकर पार्वती को युगल जोड़ी नहीं कहेंगे। कृष्ण को त्रिलोकीनाथ बताया है, ये बाबा ने बोला कि ये शंकर और ये कृष्ण दोनों ही होंगे। एक बात बोलो ना, तुम एक एक बात पूछो, तुम दो दो तीन तीन बातें इकट्ठी करते हो। पहले शंकर के बारे में बात पूरी कर लो। ये बोलेंगे त्रिलोकीनाथ उसको बोलते हैं, तो बाबा ही बोलते हैं, उसको बताते हैं कृष्ण को, कृष्ण को तो त्रिपा बोलते हैं, ये दोनों ही नहीं है। क्या नहीं है? त्रिलोकीनाथ शंकर जी नहीं है और कौन है त्रिलोकीनाथ? उसको बताते हैं कृष्ण को, तो भक्ति मार्ग में बताते हैं, भक्ति मार्ग में कृष्ण को बताते हैं त्रिलोकीनाथ। और तो बाबा ने निशारा दिया कि सतयुग का कृष्ण त्रिलोकीनाथ नहीं है। क्या तुम हो त्रिलोकीनाथ? तुम्हारा तीनों लोगों के ऊपर वर्चस्व हो जाता है, आत्मिक स्थिति में टिक गए, माना ब्रह्मलोक के वासी हो गए, ब्रह्मलोक के नाथ हो गए, सूक्ष्म स्टेज में टिक गए, मनन चिंतन मंथन में आने लगे तो तुम सूक्ष्म बतल के नाथ हो गए, और साकारी दुनिया में है तो साकारी दुनिया में आकर के हम किसी को भी कुछ भी समझा सकते हैं, हमको कोई नहीं समझा सकता। तो हम सबके नाथ हैं, कोई हमारा नाथ है? नहीं, नहीं? बाबा जितने भी पांडव है सब क्या पुरुष वाला वाले हैं कि रुद्रमाला के मर के तो सब स्त्री चोला दिए, फिर भी बाबा के बच्चे हैं ना, तो उसमें पांडवों में स्त्री चोला भी आएंगे या सब पुरुष चोला है? पांडव भी बोला है तो शक्तियां भी बोला है, केवल शक्ति पांडव सेना बोला है। क्या बोला है? शिव सेना नहीं बोला, सिर्फ पांडव सेना नहीं बोला, क्या बोला? शिव शक्ति पांडव सेना, पांडवों के लिए गायन है क्या कि ऊंची स्टेज में जाकर गल मरे, अपने देवान को गलाए दिया। शक्तियों के लिए ऐसे नहीं कहा है कि देवान को गलाए दिया, शक्तियों का फिर गायन है क्या असुर संहारी, असुरों का संहार किया। जो भी संसार में असुर हैं उनका संहार शक्तियों ने किया, शंकर ने असुरों का संहार किया, ऐसे नहीं कहा जाता। गायन है शंकर द्वारा विनाश, लेकिन शंकर विनाश करते थोड़े ही हैं। शंकर के द्वारा शिव प्रत्यक्ष होते हैं या विनाशकारी के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं? शिव माना कल्याणकारी और विनाश, संसार का विनाश होगा तो सारी दुनिया हाय हाय करेगी कि ये कहेगी कल्याण हुआ कल्याण हुआ, हाय हाय करेगी। तो भगवान प्यार का सागर गाया जाएगा या मार का सागर गाया जाएगा? अगर वो विनाश करे, मुरली में बताया है शंकर के द्वारा विनाश, हाँ शंकर द्वारा विनाश कहा गया है, लेकिन शंकर विनाश करते हैं क्या? शक्तियों द्वारा कराते हैं। तो महाकाली जो जगदम्बा है, जगत पिता की रंगीनी हुई ना जगदम्बा, वो कौन सा रूप धारण करती है? महाकाली का रूप धारण करती है।
महाकाली का जब रूप धारण करती है, तामसी स्टेज धारण करती है, तो सारे संसार में से असुरों का विनाश करा लेती है। तो इसलिए शक्तियों द्वारा संहार गाया हुआ है, शिव संहारकारी, तो ये बात लागू नहीं होती। अगर शिव संहारकारी तो शिव प्यार का सागर नहीं कहा जाएगा, मैं तो सदैव प्यार का सागर हूँ। क्या है? मेरे साथ धर्मराज है, हड्डी हड्डी तोड़ देगा। क्या बाप धर्मराज नहीं है? कौन है धर्मराज? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा तो सर छोड़ गए, हाँ, तो जरूर कोई में प्रवेश करते हैं, जिसे में प्रवेश करते हैं उसके द्वारा सारा संहार करा देते। अरे प्यार इतना किया है ब्राह्मण बच्चों को, प्यार किया कि नहीं? अकूत प्यार किया और बच्चों ने उनको दुख दिया, हार्ट फेल कर दिया। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने ब्रह्मा जैसी आत्मा को भी दुख दिया, अपार दुख दिया और उन्होंने अपार सहन किया, उसका हिसाब किताब का पूरा होगा, होगा कि नहीं? हिसाब किताब पूरा। सौ गुना जिन बच्चों ने अपने ऊपर पाप का बोझ चढ़ाया, ब्रह्मा जैसी सहन शक्ति वाली आत्मा को भी इतना दुख दिया, सौ गुना बोझ चढ़ा है ना, वो पूरा कब होगा? इसी संगम में पूरा होगा। बाबा जिन बच्चों ने ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं है, तो उनकी पालना नहीं दी है, तो उनको तो दुख नहीं दिया, तो उनका कैसा पाल रहेगा? क्यों ने देखा नहीं? हमने तो बाप ब्रह्मा को नहीं देखा ना। आपकी उम्र क्या है? 29 साल। 29 साल पहले कौन सा संत था? 20 साल पहले इस समय कौन सा संत था? 78 था, 77 78 था। तो 78 से पहले आप ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं रहे थे, हैं? तो आपने ब्रह्मा को नहीं देखा? आप देवान में होकर के बोलते हैं, मतलब एक जन्म की बात है। इस जन्म तो ये देह से कनेक्टेड है, आपकी आत्मा अनेक जन्मों से कनेक्टेड है। तो आप आत्मा होकर के बोल रहे हैं कि देवान में होकर के बोल रहे हैं हमने नहीं देखा? कौन बोल रही है, आत्मा बोल रही है कि देह बोल रही है? देह बोल रही है। आप अगर ये कहें कि हमने ब्रह्मा को नहीं देखा, तो ये तो रंग बात है। यहाँ एडवांस में जो भी आते हैं वो सब दोबारा जन्म लेकर के आते हैं। ब्राह्मण थे हम, पहले भी ब्राह्मण थे, अभी फिर दोबारा ब्राह्मण बन करके आए हैं। हाँ जी, दूसरा जन्म मिलता है अपने बेटा, दूसरा जन्म जब मिलता है तो जैसे आदि में ब्राह्मण थे, तो वहाँ आत्मा पतित बन पावन बन के आई, पावन बन के आई। आदि में पतित पावन बाप था जो आत्मा पावन बन गई। ब्रह्मा बाबा पतित पावन थे? ब्रह्मा बाबा पतित के पतित ही रह गए या पावन बन गए? फिर बनाने वाला खुद ही पावन नहीं बना होगा, तो दूसरे को पावन कैसे बनाएगा? तो आत्मा बहुत मतलब जन्म दूसरे जन्म में आगे विकार में जाने के बाद फिर ब्राह्मण ब्राह्मण बनती है। वो ठीक है, कोई ब्राह्मण फेल हो जाते हैं, कोई ब्राह्मण पास हो जाते हैं। जो ब्राह्मण फेल हो जाते हैं वो फिर दोबारा जन्म लेते हैं। लेकिन बाप पिछले जन्म में देखा तो होगा, पर याद तो नहीं मिलना इस जन्म में। लेकिन जब स्मृति दिलाई जाती है तो याद तो आती है। ये दीदी दादियाँ इतनी बड़ी हैं, इन्होंने इतनी मुरलियाँ पढ़ी हैं, इतनी मुरलियाँ सुनी हैं, उन्हें क्यों नहीं बुद्धि में एडवांस बैठ जाता? सही है। आपकी बुद्धि में क्यों बैठ रहा है? इसका मतलब आज में आपने ज्यादा ध्यान से मुरली को सुना है, आपने ब्रह्मा के चेहरे के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, आपने उनके मुख से सुनी हुई शिव बाबा की मुरली पे ज्यादा ध्यान दिया, इसलिए आपकी बुद्धि में वो ज्ञान बैठ रहा है और उनकी बुद्धि में वो ज्ञान नहीं बैठ रहा है। वो कुकवन का बलि बन गए, वो गोद का प्यार लेने में मशगूल हो गए, और आप गोद का प्यार नहीं लिया, आपने मुख से जो वाणी निकली वो पिछले जन्म में वही वाणी आपको अच्छी लगती थी, इस जन्म में भी वही वाणी अच्छी लगती है, और वही वाणी के कारण आप यहाँ आकर के फिर इकट्ठे हो रहे हैं। बाबा कहते हैं कि है ना, पहले क्या कहते हैं 7 दिन की भर्ती करते हैं, उसके बाद में बच्चा किलकारी मारता है। और मेरा क्या पार्ट है, जो कि मैं भर्ती की पहले मैंने जब बेसिक से निकाली गई हूँ,
तो मैं महात्माओं को समझाती थी ना शंकर बाबा के बारे में, तो मुझे बताती है वहाँ से। आप पहले ही पांडव बन गए? तो भैया सही क्या मतलब जरा से कोई कोई अभिमन्यु जैसे होते हैं ना, पेट में ही सारे बाण चलाना सीख लेते हैं। भाई यार तो मेरा भी हुआ जब मैं बेसिक नाल यहाँ से गई डीके से लौट करके आए तो हम 5-6 दिन जा पाए डीके में। फिर से दोबारा से हमें जाके दो चारों को सुनाए, लेकिन अचानक और भी हमारे साथ में बड़ी बहन गई थी परिवार की, तो उन्होंने वो जो मुझे सुना दी दूसरी बहन से कह दिया। तो इतना हंगामा मचा मचा। हाँ बाबा जी चलते क्यों है एडवांस वाले बच्चों के, राजा ही जा रही थी चले ही नहीं है आज भी बाबा वो राजा ही जा रही है और तुमको राजा ही मिल रही है और तुम खिलखिला के हंसोगे और वो चढ़ेंगे। अब तो बाबा ऐसा लगता है तुम्हारी खुशी बढ़ती जा रही है, उनके वो अंदर अंदर घुटते जा रहे हैं क्लास है ना बी के बालों का, तो वो सामने से निकलेंगे लेकिन मुंह फेर के निकल जाती है, देखते ही नहीं है। बाबा हम लोगों को एक पाठशाला खुलवाओ वहाँ पे, कहाँ से नगर की तरफ हम लोग 8-10 आत्माओं का ग्रुप है। 8-10 आत्माओं का ग्रुप है तो 8-10 आत्माओं में से भट्टी किसी ने नहीं की? सब भट्टी आए बाबा करे, इन्होंने बुलाया क्यों नहीं आपको? जो आकर भट्टी करके आई वो आई नहीं है। तानसेन नगर वालों को बुलाया आपने? अच्छा उनमें कोई युगल नहीं निकला? युगल ही तो नहीं गए हैं, सुनते तो थे बेसिक की भी है लेकिन मतलब। अच्छा सहयोगी है उनमें से कोई है ना? भट्टी कर कोई नहीं की? नहीं भट्टी नहीं की, सहयोगी तो इनके भी है हमारे भी है। सहयोगी है ना, तो सहयोगी है तो उनसे कहो कि हम अपने गीता पाठशाला खोलना चाहते हैं, हमारा इतना तो सहयोग करो कि आप 7 दिन की भर्ती करे हो जाके। तो कहा तो था तो कहने लगे कि बाबा आएंगे, बाबा से पूछना, बाहर बैठे उल्टा काम हो गया। आप बाबा के घर पर बच्चे बन गए और उन्हें भगत बना दिया दर्शन करने वाला है। भगत तो बिना समझे दर्शन कर देते हैं, मूर्ति के दर्शन किए और बस भगवान समझ लेते हैं, हमने भगवान का दर्शन कर लिया। हो गया बाबा भटकते भटकते फिर नहीं अभी आए थे 11:20 पे, वहाँ पे बड़ी देर में पहुँच पाए, देखा तो था लेकिन बुद्धि में नहीं था जिस था। उनके द्वारा आएंगे भाई जी के द्वारा। अच्छा अच्छा बाहर बैठे यहाँ नहीं आए? नहीं यहीं आएंगे बिहार में। बैठे रहते बैठे रहते बैठे रहते सही काम कर रहे हैं क्या? तो, नहीं करता है। कोई स्कूल में कायदे कानून के अनुसार काम करना चाहिए, विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो विद्यालय के नियमों के अनुसार चलना चाहिए। यहाँ का नियम है भट्टी करें उसके बाद बातचीत करें मिले जुले तो उससे ज्यादा प्राप्ति है। हाँ जी चलेगी चलेगी गीता पाठशाला, तानसेन नगर में नहीं चलेगी, तानसेन नगर में तान नहीं छेड़ेगी तो कहाँ छेड़ेगी? है बीरबल की आत्मा यहाँ नहीं होगी तो कहाँ होगी? क्योंकि वहाँ पे बहन ने कह दिया ना कि तुम लोग भट्टी करने जाओ तुम लोग को मुरली का भोजन नहीं मिलेगा। मुरली आत्माएं निकल नहीं देती। उनसे कहो मुरली कहते किसे हैं? मुरली कहते हैं जो मुख से निकले तो मुरली, लेकिन जो भगवान के डायरेक्ट मुख से सुनी जाए सो है मुरली, और जो कागज में आ जाती है वो थर्ड क्लास माल। बाबा वैसा कि जो बच्चे 12-12, 15-15 साल से ज्ञान में निकले हैं तो वो तो मुरली के बगैर कोई कागज की मुरली को ही सब कुछ मानते हैं। वो थर्ड क्लास मुरली क्यों सुनना है जब थर्ड क्लास मिलने लगे? तो वो जो कह रहे हैं ना कि कहीं पहले गीता पाठशाला तो हो, कहीं हमारा इंतजाम तो हो मुरली का, तब तो हम लोग टूटे नहीं, तो फिर हम लोग घर के लड़के बोले तुम लोगों को तो इतना सहयोग भी मिल गया कि भट्टी कराया सब कुछ कराया, नहीं तो हम लोग तो बीच में इतना भटकते रहे। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। जिसकी बुद्धि में ज्ञान बैठ जाता है वो ज्ञान जिसकी बुद्धि में बैठ जाए वो कभी उखड़ता नहीं है। और बाबा बहन ने भी कह दिया कि तुम लोग गीता पाठशाला खोल के तो दिखा जब जाने। कितने गीता पाठशाला एडवांस की खुली हुई है सारे हाल ही में खुलवा दो ना। आप कोई युगल तैयार करो तो खुलवा दो, आप खुद ही तैयार हो जाओ। कहा तो था क्या तो दिसंबर में जाएंगे? नहीं जी मैं जाएंगे ना, तो दिसंबर में जाएंगे, दिसंबर के बाद जनवरी होगी, गीता पाठशाला खोल दो।
ठीक है याद की विधि कैसी? अरे बच्चा पैदा होता है बाप के घर में, अम्मा के घर में पैदा होता है, तो बच्चा कभी पूछता है अम्मा हम तुम्हें कैसे याद करें, हे पिताजी हम तुम्हें कैसे याद करें, है अरे आंखों से देखा है तो याद आएगा, आंखों से देखी हुई चीज याद नहीं आती है क्या? प्रैक्टिकल याद क्या है? इसके साथ जो संबंध जुड़ा हुआ होता है वो संबंध में वो याद आता है। बच्चे का संबंध बाप के साथ है तो बाप याद आएगा, माँ का संबंध बच्चे के साथ है तो माँ को वो बच्चा जरूर याद आएगा। ये प्रैक्टिकल बातें हैं। इसलिए कोई से कहा जाए कि बिंदु को याद करो तो बैठते बिंदु को याद करने सोना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो इम्प्रैक्टिकल याद है, उसे कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं है। यहाँ भी अगर कोई बाप कहते हैं कि हमने बाप को पहचान लिया और फिर सामने बैठ करके सोने लगे तो उन्होंने पहचान लिया कि नहीं पहचाना? नहीं पहचान, नहीं पहचान। संकल्प से याद करना है कि याद नहीं करना? संकल्प से याद करते हो कि प्रैक्टिकल याद करते हो? और याद करें तो संकल्प तो आएगा। याद करोगे तो उसका रूप सामने आएगा कि नहीं आएगा? रूप के साथ साथ वो रूप जिस स्थान पर बैठा हुआ है वो स्थान भी याद आएगा कि नहीं आएगा? अरे किसी को याद किया तुमने, जिसको तुम याद करते हो तुम्हारा दोस्त है कोई, तो उस दोस्त का रूप सामने आएगा कि नहीं? मगर संकल्प आएगा। रूप आएगा कि नहीं आएगा? रूप आएगा ना, और रूप जिस स्थान पर तुमने देखा है वो स्थान भी याद आएगा कि नहीं आएगा? बस स्थान भी आया रूप भी आया और रूप के अंदर जो चैतन्य आत्मा है वो भी आता है। बाबा जब बाप प्रत्यक्ष होंगे, जब बाप प्रत्यक्ष होंगे होंगे सबके सामने होंगे, बाप प्रत्यक्ष होंगे सबके होंगे सब दुनिया के सामने, दुनिया के सामने दुनिया तो 500 करोड़ की, तुम कैसे देखो दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हुए कि नहीं हुए? हम ये पूछते हैं 500-700 करोड़ के सामने, दुनिया के सामने बाप प्रत्यक्ष होंगे तो तुमको कैसे पता चलेगा कि दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हुए या नहीं हुए? वो तो अभी से प्रत्यक्ष है, उन्हें बाप मिला सब कुछ। आप मुए मर गए दुनिया, उसके बाद में ड्रामा क्या हुआ? उसके बाद में ड्रामा क्या हुआ? मतलब बाप प्रत्यक्ष होंगे उसके बाद में, हाँ ये सुप्रीम सोल है, हाँ वो आप सुप्रीम सोल वाले किसके द्वारा पास चलेगा फिर? सुप्रीम सोल का किसके द्वारा पास चलेगा? नहीं बाबा सुप्रीम सोल बात है, हाँ शंकर के तल में चल रहा है पास, हाँ शंकर का पाठ जब खत्म हुआ खत्म हो जाता है, ब्रह्मा का पाठ खत्म हो गया? नहीं मतलब शरीर छूट गया। अच्छा ब्रह्मा का पाठ खत्म हो गया? ब्रह्मा का पाठ तो खत्म नहीं हुआ। तो जब ब्रह्मा का पाठ नहीं खत्म हो तो शंकर का और विष्णु का कैसे खत्म हो जाएगा? विष्णु का पाठ चलेगा नहीं, न विष्णु का खत्म हो जाएगा, न शंकर का पाठ खत्म हो जाएगा, न ब्रह्मा का खत्म हो जाएगा। अंत तक स्थापना भी चलेगी, अंत तक पालना भी चलेगी, अंत तक विनाश भी चलेगा, कोई का पाठ खत्म होने वाला नहीं है। हाँ किसी को दिखाई पड़ेगा, किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा। तीनों मूर्तियों का ब्रह्मा कुमारी है, वो ब्रह्मा अभी भी दिखाई पड़ता है, और हम तो उनका चित्र भी उखाड़ के निकाल देते हैं, हमको दिखाई नहीं पड़ता है। अब वो कहती है इसके आगे बैठ के ब्रह्मा के आगे बात करो कुछ भी कहो उनसे, जो है जो कुछ ऐसा कुछ ब्रह्मा ही है। हाँ हाँ जी टाइम हो गया अभी। Thank you.
अंदर से बात का जवाब नहीं मिलता है या पूरा जवाब नहीं दे पाते हैं, बात के लिए कलम चाहिए है। ऐसे तो नए नए जो मिलते हैं वो कुछ प्रश्न ज्यादा कर नहीं पाते हैं, जो उन्हें सुनाओ तो चार पाँच साल पहले बेचे थे हम लोग, ऐसे हम लोग बोला सेवा से चलना, हम लोग गए सेवा से, तो झंडा देख के हम लोग कला माता हम चार माता तीनों गए, झंडा देख के हम लोग गए तो बस पूछने लगे, मुझसे कुछ हमने बोला की आपके यहाँ कितने साल से लेकर पाँच साल कर रहे हैं, बताया हमने की चार पाँच साल की, तो मुझे तो माँ की पढ़ाई है, बाप भी आया हुआ, मुझे कहाँ बड़ा बने करना हुआ, जमना वाला तो सली छोड़ के चले गए, अपन ने तो उनकी बारी सुन के अपन को कितना माने, उनके बहन में कितना अनुभव हुआ, और अगर बाप अगर अपन को साकार में जा सके समझ में, बहुत खुश हो गए हमारे दोनों युगल से, तो उनको अच्छा लगा, चल रहा है बाप का पास साकार में, हम लोग ने भी बाबा चल, हम लोग दो तीन बार गए उनको निश्चय हो गया, क्लास करने आने लगी। नहीं, क्लास क्वेश्चन क्या पूछे जो तो बहुत कर दिए बच्चा होता है, हम लोग को पेपर नहीं आता था, आगे आगे जिज्ञासु मिल जाते हैं वो टीके टीके प्रश्न करते हैं, बच्चा जवाब नहीं दे पाता है तो बाबा प्रवेश कर जाते हैं, की पावर लेते हैं, वाचा की पावर लेते हैं, नए नए प्रश्नों का समाधान नहीं करते हैं। अच्छा फिर निकल आए, बहन जी को पता चल गया, बहन जी ने बोला क्या तुम कहाँ शंकर पार्टी में जा रही हो, बोले हाँ शंकर पार्टी में, बोले क्यों बहन जी जब माँ का पाठ है तो बाप भी तुम्हें सरकार में चाहिए, तीनों मूर्ति सरकार में चाहिए, बहन जी से हाँ, तो बोले की क्या साकार में पाठ चल रहा बाप, कौन बजा रहा पाठ, उनको मालूम है सब नाम ले, हाँ वो बजा रहे आपका नाम लेके, बोलने लगे वो बजा रहा है पाठ, बोले हाँ बजा रहा, खुद गलत गलत उनकी तो आदत है बोलने की, अगर वहाँ जा रहे हैं नहीं आना, हम नहीं आना, हम नहीं आना, पटेल भाई वही बहर साल में खूब जाते थे, जब उनको रखो बहन जी की दीदी दादी की बहुत सेवा करते थे दिन रात, बत्ती पूरी की ज्यादा बत्ती की पूरी बत्ती की, तो फिर ज्ञान में आ गए, तो फिर बहन जी ने बोला तुम पटेल अगर शंकर पार्टी में चले गए हो यहाँ ना बंद कर हमारी बहन जी यहाँ से आई, वो भी आके बस मुरली तो कम सुना रहे, खूब सुना रहे उनने मुरली कम शंकर पार्टी ज्यादा, वो पार्टी बातें बहुत मैंने उसकी स्थापना हो रही है आप लोग उसमें नहीं जाना, वो तो अपने ज्ञान की अपनी बाणी यहाँ से ले रहे हैं, तोड़ मरोड़ के ज्ञान सुना रहे हैं, वो तो तांत्रिक है सर, ऐसा बहुत कुछ पता मिला बाबा, उन्होंने कहा कि जहाँ प्राप्ति हम वहाँ जाएंगे, उनका माता लोग से भी खूब गया थे सबसे, वो तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं जो ज्यादा पुरानी है, हाँ बहुत मतलब पहले से, पहले हम यहाँ जाते थे यादव कॉलोनी में, तो बताए कि बाप का भी पाठ चल रहा है, तो कहे आप क्या वहाँ चलिए, हमें कहे नहीं, कहे कहाँ जाते हैं, हमें कहे जाते हैं हम गीता पाठ साहब यादव कॉलोनी, कौन सी बहन जी, हमें कहे कि है मतलब सरोजी बहन जी, तो कहे रे गुरु तो हम अच्छे से जानते हैं, तो हमने कहे कि बाप का पाठ चल रहा, तो कहे माँ कहाँ है बाप का पाठ, ये सब झूठ है, बात जो है सच मानो, आप इधर उधर मत डोलो, और जो कहते हैं कि
ब्रह्मा बाबा जो है, ब्रह्मा बाबा मां है और शिव बाबा बाप है। एक बिंदी और एक साकार है, ऐसे कैसे हो जाएगा? नहीं, एक मां है, एक बाप है। एक बहुत मोटा और एक बहुत छोटा है। हमने कहा कि देखो, कहते हैं कि साकार में जब मां है, ब्रह्मा बाबा मां है साकार में, तो साकार में बाप भी नहीं। हमने तो माँ और बाप दोनों का है। आपने कहा अनुभव किया, हमने कहा वो अनुभव किया जो हम 5 साल बेसिक में रहे, जो हमने 7 दिन में अनुभव किया। हमको तो एकदम निश्चय की दुनिया इधर जिधर डोल जाए, लेकिन हमारा निश्चय को छुटा नहीं सकता। इतना गारंटी के साथ हमने कहा, हाँ गारंटी के साथ है। तो हमने कहे अब क्या कहते हैं कि यहाँ से निकले, अब तो हो गई मतलब पढ़ाई, छोटी पढ़ाई हो गई। हमने कहे बाद में बाप के पास चले, कॉलेज में चले। तो हमने कहा जब बाप से बात पर मिलेगा तभी अपन मतलब देवता बनेंगे। तो कहे अरे ऐसी बात है, ऐसे गारंटी के साथ आप देवता? हमने कहा हाँ देवता बने। कहे आप कहो सही कह रहे? हमने कहा हाँ सही कह। तो कहे कि देखो अबे बहन जी, हमने कहा ठीक है। बहन जी से पूछ रहे थे कि एड्रेस पार्टी कहाँ है, तो क्यों नहीं बताई बहन जी? तो बोलती है कि नहीं बहन जी, एडवांस पार्टी ऊपर है। हमने कहा ऊपर कहाँ है? हमने कहा वो तो जिंदा रहती है, मरी कहाँ है? अपने एडवांस पार्टी जो ऊपर रहती है। हमने कहे वो तो सारे आज है। तो कहे कौन है? तो हमने बताया आपका नाम बताया, उसी बाबा जो आते हैं जो बाप का पास बाबा। आप जाने बाबा जाने, बाबा का चांद जाने। हम तो ऐसा है कि जो उत्तर को देते गए वो उत्तर बाबा आप ही आप उत्तर देते गए, आप ही आप उत्तर जितना उत्तर होता था उत्तर 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 देते गए। उस समय याद आते गए, अभी तो बल्कि याद नहीं, मतलब उस समय याद आ जाता है जब कोई पूछता। दिसंबर को हम लोग भर्ती करके अक्टूबर में आए, बहन जी आए, बाबा की सीढ़ी चल रही थी, सीढ़ी बंद कर दिया। खूब क्रोध में थी, आके बाद समझी पे बैठी। हम मुरली तो सुनाई कम, शंकर पार्टी बहुत बहुत बोले। फिर कहती बहन जी कहती आप लोग नहीं आ गए, मुरली नहीं आएंगे आप। एक एक नाम मैं रखा, एक बाप मेरा बस एक की सुनना है। उसी दिन हिसाब से साफ उनका पूरा हमने सुखे, और एक तारीख से अपने क्लास आने मुरली कहाँ से मिलेगी? हमें भी मुरली का भंडार है, इसी में भी किताब लाए। डायरेक्ट पढ़ना नहीं है, मुरली चलाई जी कैसे सब लिखा दी सब हमारे पास है। बोले बहुत प्रस्तावी जी ने बाबा की समझी से बैठ के कह रहे हैं, आप बहुत प्रस्तावी जी ने श्राप दे के लाए। उसी दिन से वो गए। क्योंकि हम लोग तो सवाल पहले से पूछते थे, पहले से एक दो सवाल सुनते सुनते थोड़ी होने लगे। हमने सब बहन जी तो बताइए कि कृष्ण का जन्म कब होगा, कृष्ण के माँ बाप कौन होंगे, सब उनको पता ही नहीं। तुम्हें क्या करना भी, गहराई में नहीं जाओ, गहराई में जाना ही नहीं है तुम्हें। बस मुरली सुनो, बाबा की याद करो, साढ़े सात से आठ बजे खत्म। मुर्गी भक्ति करके आ रही तो कला माता जी तो नहीं है, वो बहुत दुखी होंगी। वो बहन जी से बस जवाब सवाल उनके लिए हुए कि जब कृष्ण आगे 16 कला मजदूर है तो उनके माँ बाप जन्म देने वाले को कला नहीं होना चाहिए, बताइए उनके माँ बाप को। तो एक बहन जी और आती है, दादी से माता है वो, हम लोग ने उनसे सवाल किया, कहती वो मम्मा है ना, मम्मा कृष्ण को जन्म नहीं देगी, मम्मा तो राधे बनेगी। राहुल भाई आए थे खरगरी में, राहुल भाई आए तो वो कहते हैं कोई भाई आते उनको मिलवाना। साहब की बात उनका आना हुआ, राहुल भाई बैठे हुए। फिर राम भाई से उनकी 2 घंटे इतनी बात हुई कि वो इतनी क्रोध में आए, क्रोध में आके फिर आंसू भर के वो अभी भी वो आती है अपने यहाँ की खबर लेती है। इन लोग की स्थिति डाउन तो नहीं हो गई, इन लोग बेसिक से टूट रहे थे, इन लोग का कैसा योग चल रहा, क्या चल रहा, बहुत खुश है। हम लोग देखते हम लोग का भटकना बंद हो गया, फिर हम रखते रहते हैं। सब खबर करती है कैसी का बैंक क्या कर रही, इनका कैसा चल रहा है। तो साल भर तक बाबा आपसे मिले नहीं थे, फिर भी निश्चय हो गया था। साल भर हम लोग मुरली से टैली करते थे, और वो ब्रह्मा बाबा के तरफ देखते ही नहीं थे। तो उन लोग समझ गए कि इन लोग क्या योग करते हैं, कि देखते भी नहीं है और क्या आपस में बात करते रहते हैं। मतलब क्या देखे साल भर जाते हैं,
बाबा तो देखते थे अब बाबा की याद बिल्कुल मतलब वो रहता था तो उन लोग ये बनाते गए कि जब से यहाँ गई है पता नहीं क्यों मतलब इन लोगों को हम लोग तो नजर ही क्लास में हम भी गाते थे वहीं इन लोगों परिचय दिए राहुल की नानी मैं राहुल के नाम ही हूँ बाबा अच्छा आपको पहले परिचय मिला फिर हम दोनों मिल करके फिर इन लोगों को निकाला राहुल भाई राहुल क्या नानी है ना बिलासपुर वाली कमला माता वो मेरी जेठानी है उन्होंने दिया दोनों बेटी का भी और एक भांज का भी असली बहुत पहले वो इसका तो मतलब वो नहीं था विचार तो इनने बोले कि कहीं राम की आत्मा है तो मतलब उनमें श्री बाबा आते हैं जी कैसे थे उनकी उस समय बुद्धि भी नहीं थी इतनी सुने हमने कहे कि अगर राम की आत्मा कहीं है जमाने में कहीं भी होगी जिंदगी रहेगी तो हम जरूर जाएंगे बिल्कुल सोच लिया ना कि बिल्कुल जाएंगे कहीं भी है वो जमाने में होगी मगर जाएंगे जरूर नहीं तो जे क्वेश्चन बाबा हमें यहाँ भी उठते थे जब हम बैठे थे प्रश्न हम लोग कि राम कभी तो बोलने लगे कि राम नहीं राम की आत्मा यहाँ नहीं है राम को यो है तो हमको संशय होता था कि बाबा इसमें मतलब नाम तो है यहाँ मतलब शंकर का नाम है सबका नाम है लेकिन राम का नाम था राम कहाँ अलग है यहाँ से और शंकर को भी अलग कर देते हैं यहाँ तो हम लोग बोलते थे कि इंद्र ने दिया है ब्रह्मा विष्णु और शंकर का तो इंद्र उसको लेकर हम लोग प्रश्न करते थे बहन जी से जब ब्रह्मा विष्णु तो हम दोनों का तो पाठ पता चल गए उनको अंदर से बात तो पैदा हो और शंकर का पाठ कुछ नहीं है बोलते हैं हम लोग शंकर का क्यों चित्र दिया है तो ऐसे ही दे दिए हैं मुरली में भी निकलता था पार्टी का नाम आता था बाबा तो हम लोग बहुत मतलब पूछते थे की अरहंत पार्टी कौन है दीदी बहन जी पार्टी तो बोलती थी वो रात का वहाँ पे है तो वहाँ कुछ नहीं मतलब वो वहाँ है अरहंत पार्टी दादी लोग जो जाती है ना वो वहाँ अरहंत पार्टी में बात करते हैं तो फिर धीरे धीरे मुकेश भाई जब आने लगे तो हम लोग को पता चला हमारा निश्चय दुनिया डगा लेकिन निश्चय न टूटे हमारा पूरे मतलब संगठन पार्टी वाली बहुत निश्चय है और कभी न टूटे ये निश्चय रोज नई नई मुरली में नए नए पॉइंट निकल रहे हैं मुरली पढ़ते रहेंगे सुनते रहेंगे जब मौका मिले तो बाबा से डायरेक्ट भी सुनते रहें तो निश्चय आने का सवाल ही नहीं सेवा करेंगे तो और ज्यादा निश्चय पड़ेंगे सेवा तो अच्छा मतलब सेवा तो बनाने की मतलब आजकल बहन जी लोगों ने क्या करी है सबको एक बार तो हम नए मोबाइल लगे तो पूछने लगे कल कितने हैं आपके आवाज पार्टी वाले बातों में विश्वास मत करना तो कहने लगे कितने जन है यहाँ कितने क्लास है तो हम लोग घूमते तो हमने बोले कि यहाँ बहुत है कितने क्लास गिना दिया कहाँ कहाँ गिना दी हमने एडवांस पार्टी के हम सोचे आप ही भर जाता होगा हम क्या बहुत क्लास है गिनते नहीं लगेगा इतने क्लास है एडवांस पार्टी वो कब श्री स्मृति भवन में पटेल भाई की शंकर पार्टी खुल गई है ये कहना है पूरा पटेल भाई ने जबलपुर में ब्रह्म कुमारी में पटेला चला दिया बाबा थोड़ा हमारी बच्ची को संशय है किस बात में यही तो हमको कहेंगे तो बात का जवाब मिलेगा ब्रह्म कुमार ने जवाब नहीं मिलेगा कभी भी गुरुओं से भी जवाब नहीं मिलता कभी गुरु लोग कभी भी सभा में कोई को पूछने से अनुमति नहीं लेते हैं दुनिया के गुरु लोग तो बाबा है जिसका ज्ञान कोई पुस्तकी ज्ञान थोड़े ही बोल देते हैं हर बात का जवाब लेगा
नहीं वो विसर्जन हुआ था ना अपने अंदर, तो वो चार आत्माएं आई थी, कहाँ की थी उन्हें वो संगठन, मतलब वो कुछ और बताने लगे एडवांस के बाद के हमने बताई, वो तो धीरे में भगवान निकलेंगे बाबा आप अभी देखो अभी दो मूर्तियां तो मैदान में आ गई, तो दो मूर्तियां समझ में भी आ रही है सबको, लेकिन तीसरी मूर्ति अभी प्रत्यक्ष नहीं है, तो क्या है उसके प्रत्यक्ष होने से पहले ही लोगों ने घोषणा करना शुरू कर दी, एक अहमदाबाद में विष्णु बैठा हुआ है, एक बंगलौर में विष्णु बैठा हुआ है और वो अपने विष्णु कह रहे हैं, एक मथुरा में विष्णु बैठा हुआ है, वो किसी ये सरकारी बड़ा ऑफिसर की लड़की को जो विषय ज्ञान में चल रही थी उसको एडवांस ज्ञान सुना करके, और ये सारे ही एडवांस ज्ञान कंपनी में लिए हुए सब जितने भी भगवान निकल रहे हैं सारे ही कंपनी से एडवांस ज्ञान लिए और खुद भगवान मंदिर में बैठे तो क्या हुआ नहीं वो आके ऐसे से समझा रहे थे यहाँ पर वो विष्णु पार्टी का बता, तो आप फिर भी बोला था इनका भी पार्ट माने वो नहीं है दूसरी आत्मा पे, इनका क्लियर पार्ट नहीं है ऐसा करता, तो तुम अपना क्लियर बताओ वो तो बाबा के है कौन कौन है और कौन लोग आए थे उनके नाम अशोक भाई कहाँ के मुकेश भाई का फोन आया तो उन्होंने बताया कि चार भाई सलवार दो हैं अशोक बालाघाट निरंजन भाई और निरंजन जी बालाघाट के निरंजन बालाघाट जो भी आए उससे साइन लेते रहो, उनके नाम एड्रेस पूरा लिखवाते रहो, उनके फोन नंबर लिखो लिखो पहले ऐसे नहीं तभी तो पता चलेगा अशोक भाई किशन भाई किशन भाई और रतन भाई और निरंजन भाई किशन भाई ये भी बालाघाट के हाँ जी एक सोनपुरी के हैं और तीन बालाघाट सोनपुरी में कौन सा वही थोड़ी दूर पे है सोनपुरी का किशन भाई सोनपुरी सोनपुरी बालाघाट की और क्या था अशोक भाई ने किशन भाई रतन भाई रतन भाई ये चार इकट्ठे हो गया रतन भाई ये भी बालक है कब करेंगे सही करने वाली सभी की कर रहे हैं बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा जबलपुर हो जाएगा आठ माता आठ कन्याएं माता को जगह जो है जाएंगे नौ कन्या अभी तो चार नहीं है चार हो जाएंगे आठ नौ कन्या हो जाएंगी सबसे कन्या है जी सबसे पुरानी ऐसे कहाँ चलते है नहीं कोई बात नहीं बताएंगे उसके बारे में तो ये तो अरे भगवान निकले तभी तो परीक्षा होगी ये निकाल सीधी मुगाव में बता दे अब तक पक्के कौन है नौ दसवां नाथ से धर्म
वो भी भगवान में भी बैठ जाता है। ऐसा लगा ना बाबा, जैसे हम लोग भी बैठे में जाते हैं, चुपचाप आप पास चले आते हैं किसी को घुस के, तो ये लगा कि वो भी घुस के यहाँ पास चले जाते हैं। थोड़ा सा समझ में आ गया। आज बात ये है कि जितने भी हैं भगवान निकल रहे हैं, वो एक भी ऐसा नहीं है जो अलग से निकला हो, सारे ही कंपनी में जाके भर्ती किए हुए हैं और भर्ती करने के बाद फिर विरोधी बने। और वो बोल रहे थे कि वहाँ से इतने मोटी मोटी पुस्तक छप गए हैं। कहाँ? वो वही विष्णु पार्टी में बोले। कहाँ? विष्णु पार्टी वाले में। हाँ, वो कहाँ, वो इंदौर का बता रहे हैं, बॉम्बे का बता रहे हैं। सतीश भाई का एडवर्टाइजमेंट आए थे। जी हाँ, सतीश भाई ने ही घर से मोटी पुस्तक छपाई है। बोले और बोल रहे थे कि अभी हम आप लोग को घर बता रहे हैं, बाकी किसी को नहीं बताए हैं। बता रहे हैं, बता रहे मोटी पुस्तक छप गए हैं। मोटी पुस्तक वो एक एक को देते जाते हैं, कहते तुम 108 की लिस्ट में आ जाओगे अगर ये पूरी किताब पढ़ लो, 16,108 की लिस्ट में आ जाओगे। उनके इतनी बात सुनने पर मेरे को समझ में आया, अपनी पार्टी के नहीं है, विष्णु पार्टी के है। गोपाल ने बताया था, गोपाल में डिस्कशन हुआ था, पुस्तक अपने बाबा के यहाँ बनती नहीं है। विष्णु के बारे में तो बाबा ने पहले ही बता दिया। गोपाल में डिस्कशन हुआ था, गोपाल विष्णु जो है वो तो कोई ऐसी माता निकलनी चाहिए जो विष्णु पार्टी माना विजय माला बनाने वाली हो, मैंने विकारों पर विजय पाने वाली हो। तो विकारों पर जो विजय पाने वाली वो तो बाबा ने मुगली में बताया है कि जैसे शहद की मक्खियाँ होती हैं, उनकी एक रानी होती है, एक रानी निकलती है तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जाता है। तो ऐसे ही ब्रह्म कुमारी में ऐसे वो एक रानी निकलेगी और उसके पीछे पीछे सारा ही झाड़ निकल पड़ेगा। वो है प्योरिटी की वजह से करने वाले की कोई प्योरिटी वाली थोड़ी है। इसलिए उस बात हम लोगों को संशय हुआ कि ये लोग कैसे बोल रहे हैं। नहीं संशय नहीं, संशय नहीं, मतलब बात नहीं हुआ उस बात पे। पहली मुख्य बात उनके सामने रखो, बाप कौन है? पहली बात तो ये बताओ बाप कौन है, वो ये बात बता दे। वो बोले थे आपका नाम लेके बोले पहले उनकी आत्मा, आपने क्या बोला फिर से बोलो, फिर दोबारा बोले आपका नाम, फिर तीसरी बार बोले ये हो नहीं सकता। तो हम लोग का फिर दिमाग खराब हुआ कि बाबा को इस्लाम धर्म की आत्मा क्यों बता है ना। लेकिन फिर ये बताओ बाप कौन है? हमें तो बाप को पहले से चाहिए। क्या बात है, खास पकड़ रहा है। क्या बोले, उनसे ज्यादा जब ज्ञान मिल रहा है तो क्यों नहीं सुनने ऐसा बोल रहे हैं? किनसे मिल रहा है ज्यादा ज्ञान? आपने नाम दिया ना कि बाबा बोलते किसी और का नहीं सुनना चाहिए, अपन को हमने तो कहा हम लोग एक बाप की सुनना है, किसी की बात नहीं सुनना है। समझ गए हाथ आने वाले नहीं, हम लोगों को पता लग जाता है कि कौन भट्टी करने गई है पार्टी। जो पार्टी भट्टी करके आती है वही जाकर के पहले पकड़ते हैं, बाबा बोलते हैं वो पहले बोल जाते हैं। ऐसे समझो शिव बाबा हमारा बच्चा है और वो शिव बाबा हमारा बच्चा जो है वो जैसे कोई बच्चा घर में बहुत बीमार होता है तो माता भी नहीं जाती है बच्चा बनाएंगे तो दूसरी बात बैठे। हम माताओं की यही कमी कम जाती है बाबा, बस बाबा जाते हैं तीन बजे तक तो ठीक, पाँच बजे थोड़ी देर थोड़ी झपकी लड़ाई जाएगी। पाँच बजे के बाद तो क्लास का टाइम शुरू होता है। नहीं 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 थोड़ी दो पाँच मिनट में लगे हैं यहाँ। बाबा धन्यवाद।
बाबा एक एक क्वेश्चन बाबा जैसा अपना सोते हैं 8 बजे और तुरंत नींद नहीं आ जाती, वो पहलू कैसे याद कर पाएंगे जब सोने का बिल्कुल है सोते समय जिंदी आत्मा की याद में सो जाओ, बाप के बच्चा बन के सो जाओ। कुछ देर बाद वो शर्मा नहीं आवा घूमने लगता है ना, तो दुनियादारी में जितना बुद्धि घूमती रहेगी उतना ही फिर आपके समय में तकलीफ देगी, हम तो बते हो जाएगी। क्या सभी की उसके लिए जो बोलते हैं कि अरे हमको तो गीत निभाना पड़े, हम करना ही तो बात नहीं करना तो बात शादी करने के लिए तो वो भी क्या शादी अभी हमारी कहीं शादी अभी साल का छोटा रहेगी, छोटा वाला बाबा मेरे को ऐसे परेशान करे हैं कि तुम्हारे भाव बढ़ गए, भाव बढ़ गए पटेल साहब तुम्हारे, अब वो नौकरी करता है ना आज 6,000 रुपये मिलती है, 6,000 रुपये वो कहते हैं अच्छे रास्ते पर। अभी बाबा आपसे मिलने के लिए कहते हैं, कैसे दाय मिलने चला गया नौकरी पे, पता है बस हमको बस उठी की लगती वो भी एक ज्ञान में चले हमारे घर का वही कैसे निकला है क्या करें इसके लिए अच्छे अच्छे संकल्प करते रहो, सवेरे अमृत मिले उठे सोते रहते हो तो कैसे होगा, जग जाते सुनता नहीं लोग यहाँ, जब आप जग जाते हैं उनको तो बाद में सुनो, आप अमृत मिला अच्छा कर रहे हैं अभी नहीं कोई जाता हूँ या आप नहीं अच्छा हो रहा है तो दरबार होगा क्या कैसे होगा पक्का कर दोगे, हमें घर वालों को निकालना ही है अमृत मेला, हम एक दो बंदे जरूर उनको सर्च लाइट देंगे। बाबा एक सवाल और हमारे साथ हैं जो भर्ती करने के लिए कह रहे हैं, माता तो है सुनती है देवल मुझे करना अभी वो गई है बाबा भर्ती के लिए बहुत उत्सुक है, नंद नंद ही बांध रहा उत्तर प्रदेश में तो वो तो निश्चय है हाँ, तो बंद बोले उत्तर प्रदेश की सेवा होना चाहिए, वहाँ अभी हुई नहीं है, वहाँ भी गीता पाठशाला है और क्लास है, वहाँ सोच रहे सेवा के लिए वो कह रहे पहले हम भर्ती कर लें, तो माता जी को उसका ज्ञान तो नहीं है पर जी बाबा आप जानती पहचानती सुनती हैं कि जो बाबा हैं करके, बाकी बुद्धि में थोड़ी दुनिया वाली बातें ज्यादा रहती हैं, बाजू में थोड़ी है तांत्रिक विद्या वाली, तो उनको जो लगता है मैंने कर दिया वो कर दिया बस उसी में उनका तो हम कहते हैं अपने घर बाबा है उनसे बुद्धि ही होगा भय का भूत होता है, आप उसी घर में लेते थे उस घर में उसी में रहते हैं है, अभी 3 पार्टियां भर्ती कर चुकी हैं, तीन पहले से 2 माता में थी दूसरे हम लोग में थी बस हो गया, अब तीसरे में इन दो को कराए थे, चौथी जगह गई हैं पहले माने 2 पार्टी गई हाँ 2 माता ये नहीं हम 5 जन गए फिर से दो इन दो को लेके गए, अभी वो 7 आत्माओं को लेके गए, आप समझ लो कितने हैं 13 और 3 13 और 2 बांदा से वहाँ से लेना ऐसे मिला के 15-16 आत्मा है तैयार भट्टी के लिए, हम लोग गए थे उनके पास वो 24 तारीख करा के किसी की तकलीफ न हो यहाँ भी दिक्कत नहीं, यहाँ से तो लखनऊ बंसी ना तो यहाँ दिक्कत नहीं, वहाँ की कौन से थोड़ी लखनऊ से बंसी वाली कानपुर तक ढूंढो बदलना पड़ता यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, लौट के समय कानपुर से कानपुर से डायरेक्ट गाड़ी है लखनऊ से आती है, लखनऊ
लखनऊ से आती है, लखनऊ से कानपुर स्टेशन नहीं आती, वही तो आती है हाँ। लेकिन वहाँ जगह कम मिलती है, लेकिन थोड़ी एक दो स्टेशन के बाद जगह मिल जाती है। तो पहले से रिजर्वेशन ही करा लो ना, जाने का भी रिजर्वेशन करा दो, आने का भी करा दो। जैसे 10 दिन का टाइम लग जाता है, 7 दिन बच्ची के और 1 दिन आना जाना, तो टोटल मिला के 9-10 दिन लगते हैं। बाकी बाबा से मिलने की कोई ऐसी बात नहीं, बाबा तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बाबा का अगर रूट देख लिया तो आते जाएंगे। बात ये है जब स्टूडेंट बढ़ेंगे तो बाबा की जिम्मेदारी हो जाती है कि उन बच्चों को मोहरा देखना। आपका कमरा भी तो 30-35 लोगों का है ना, बाजू वाला बन जाएगा ना बाबा, बाजू वाला बन जाएगा, बड़ा हाल हो जाएगा बाबा की झटके में तो है ही है। तीन मूर्तियां तीनों पुलिस में सम्मिलित करते हैं, भक्ति में एडवांस ना देते हैं। अभी वो परिवार के मुखिया गए हैं, परिवार सहित गए, परिवार सहित गए, एक माँ बेटा है और 2 लड़की हैं, तो दोनों को लेके तो परिवार की पत्नी और दो परिवार यहाँ को लगाना चाहने वाले, और जो दो परिवार यहाँ पर हैं जो दोनों के 2 लड़की 1 लड़के माने 5-5 जन ले जा रहे हैं। छोटी स्पीकर में आया बिल्कुल, आगे आगे चल कर ये ब्रह्मा कुमारी बड़े बड़े ऑफिसरों को पकड़ती है पुलिस वालों को, ये छोटे छोटे खूब काम करेंगे, दूर सर्च करेंगे। तो उनके अनुसार से कहते हैं हम भक्ति करके आए, पावरफुल रहेगी, सेवा है बहुत। एक बाबा एक पुलिस वाली निकली थी, 2 बजे आई, भक्ति नहीं की उनकी सेवा करने से लोग पैदा होते ही सेवा करना शुरू करती है। गीत पढ़ा उनको और उन्हें दूसरों को भी डाले। बाबा एक प्रश्न मेरे उठती है थी। इसके लिए तो बोला है। भाई पहले निकली हूँ और बस ये माता को निकाले हमारे ये लोग को थोड़ा बहुत, बाकी आप सेवा नहीं कर पाती बाबा। निकाल दी आप क्या है सबकी रोटी की मजेती करना चाहिए, नहीं कर पाती हूँ बाहर जाती और क्योंकि सेंटर के पास रहती हूँ ना, तो वहाँ पर सभी को मालूम है। माताएं दो माताएं मिलकर के सेवा की अब नहीं कर पाती हूँ ज्यादा, मैं ज्यादा अब कहीं नहीं जा पाती। क्या बात हो गई? सेवा मतलब पहले उम्र उत्साह ज्यादा थी शुरुआत में, अब कम हो गई। नहीं उम्र उत्साह बात नहीं, ज्यादा परिचय भी नहीं है, तो मैं और किसी को मतलब अब परिचय नहीं दे पाती हूँ और ज्यादा।